हमारा सोलर सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। ये प्लैनेट्स, मून्स और एस्टेरॉइड्स से भरा हुआ है। ये सब सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं। सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है नेब्यूलर हाइपोथेसिस। अरबों साल पहले गैस और धूल के एक विशाल बादल से बना था। समय के साथ यह बादल अपने आप में कोलैप्स होना शुरू हो गया। जैसे जैसे नेब्यूला कोलैप्स हुआ, यह तेजी से घूमने लगा। इस स्पिनिंग मोशन के कारण क्लाउड छपटा होकर डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बन गया। यह डिस्क हमारे सूरज और सभी ग्रहों का जन्म स्थान बन गया। जैसे जैसे नेब्यूला कोलैप्स होता रहा, उसके सेंटर का मैटर अविश्वसनीय रूप से डेंस और गर्म होता गया। यह सेंट्रल रीजन वह जगह है जहां अंततः सूर्य का जन्म हुआ। कोलैप्सिंग नेब्यूला के सेंटर में इमेंस ग्रेविटी ने ज्यादा से ज्यादा गैस और धूल को अपनी ओर खींचा। इस प्रक्रिया ने बहुत अधिक एनर्जी रिलीज की, जिससे कोर अकल्पनीय तापमान तक गर्म हो गया। नेबुला के सेंटर में इंटेंस प्रेशर और हीट ने न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा की। न्यूक्लियर फ्यूजन वह प्रक्रिया है जहां हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हैं। यही एनर्जी सूर्य को शक्ति देती है और उसे तेज चमकने देती है। सूर्य के जन्म ने हमारे सोलर सिस्टम के निर्माण में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। नए बने सूर्य से तीव्र गर्मी और प्रकाश का आसपास के डिस्क में बचे हुए मैटर पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह मटेरियल अंततः आपस में मिलकर ग्रहों, चंद्रमाओं और अन्य पिंडों का निर्माण करेगा जिन्हें हम आज देखते हैं। सेंटर में सूर्य के प्रज्वलित होने के साथ डिस्क में बची हुई गैस और धूल ठंडी होने लगी और आपस में जुड़ने लगी। धूल, बर्फ और चट्टान के छोटे छोटे कण आपस में टकराते रहे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के जरिए एक दूसरे से चिपकते रहे। लाखों वर्षों में ये छोटे छोटे कण बड़े होते गए। पहले कंकड़ बने, फिर बड़े बड़े पत्थर और अंततः किलोमीटर आकार की वस्तुएं बनी जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है। प्लैनेटेसिमल्स आपस में टकराते और चिपक जाते और धीरे धीरे समय के साथ बड़े होते गए। प्रारंभिक सोलर सिस्टम में प्लैनेटेसिमल्स और प्रोटोप्लैनेट्स का निर्माण एक अराजक और हिंसक समय था। हालांकि समय के साथ सोलर सिस्टम स्थिर होने लगा और उन ग्रहों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ जिन्हें हम आज जानते हैं। सेक्शन 4, प्लैनेटेसिमल्स, ग्रहों के निर्माण खंड, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्लैनेट्स। किस प्रकार का ग्रह बना, यह सूर्य से उसकी दूरी पर निर्भर करता था। आंतरिक सोलर सिस्टम में जहां तापमान बहुत अधिक था, केवल लोहे और सिलिकेट जैसी चट्टानी सामग्री ही नेब्यूला से बाहर निकलकर जम सकती थी। इसके कारण चार आंतरिक चट्टानी ग्रहों का निर्माण हुआ, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। फ्रॉस्ट लाइन से परे जहां तापमान बहुत कम था, पानी की बर्फ, मीथेन बर्फ और अमोनिया बर्फ जैसी बर्फ जम सकती थी। इससे गैस दानवों, बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस और वरुण, नेपच्यून को विशाल आकार में बढ़ने का मौका मिला। इन ग्रहों ने भारी मात्रा में गैस और धूल जमा कर दी, जिससे घना वातावरण बना और वे आज हम जो विशालकाय ग्रह देखते हैं, वह वो पीली वे बन गए। सेक्शन 5, ग्रह आकार लेते हैं, प्लैनेट्स टेक शेप। सोलर सिस्टम का निर्माण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी जो लाखों वर्षों तक चली। इसमें गैस और धूल के विशाल बादल का गुरुत्वाकर्षण के कारण ढहना, सूर्य में परमाणु संलयन का प्रज्वलन और प्लैनेटेसिमल्स का धीरे धीरे ग्रहों में जमा होना शामिल था। अंतिम परिणाम विविध और आकर्षक सोलर सिस्टम है जिसे हम अपना घर कहते हैं। सेक्शन 6, वह सौर मंडल जिसे हम जानते हैं, द सोलर सिस्टम वी नो। ग्रह गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते रहे। अरबों वर्षों में उनकी कक्षाएं बदलती और स्थिर होती रहीं। बचे हुए प्लैनेटेसिमल्स क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु बन गए, जो प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष हैं।
नेबुलर हाइपोथेसिस हमारे सोलर सिस्टम के निर्माण के लिए एक सम्मोहक व्याख्या प्रदान करता है। यह ग्रहों की क्रमबद्ध व्यवस्था, उनकी अलग अलग संरचनाओं और क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की उपस्थिति की व्याख्या करता है, जबकि अभी भी कुछ अनुत्तरित प्रश्न हैं। नेबुलर हाइपोथेसिस हमारे कॉस्मिक नेबरहुड की उत्पत्ति के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल बना हुआ है।